तो बहुत ही पावरफुल फंगीसाइड और कीटनाशक तैयार हेलो जी नमस्कार आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो क्या क्या काम काज कर रहे हो मैं बोले बाबा से यही दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो मस्त रहो और व्यस्त रहो तो मैं आज आपके साथ ना एक बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ना वीडियो ला रही हूँ जिसमें आपको शायद आप चाहे आप छोटी बागवानी करते हो चाहे आप बड़ी बागवानी करते हो चाहे कुछ कुछ भी करते हो तो एक फ्री में घर में तैयार कीटनाशक और फुफुंदीनाशक दवाई तो इसके लिए क्या क्या हमारे को ज़रूरत है किस किस चीज़ की ज़रूरत है नंबर एक तो हमारे को ज़रूरत है मतलब मिट्टी के घड़े की और नंबर दूसरा हमारे को खट्टी लस्सी जितनी भी पुरानी हो उतनी वो खट्टी लस्सी की ज़रूरत है और नंबर तीन हमारे को तीन किस्म के हमारे को पत्ते लेने नंबर एक तो जो शिवजी भगवान जी के ऊपर चढ़ते हैं ना दतूरे के आप पत्ते भी ले सकते हो और फल भी ले सकते हो और नीम के पत्ते अगर जहाँ नीम नहीं हो वहाँ मीठी नीम आप ले सकते हो और आक के पत्ते तीन किस्म के हमारे को पत्ते सबसे पहले ले लेने चाहिए और उसके बाद हमारे को इन पत्तों को थोड़ा काट के ना और लस्सी से हमारे को अपनी जो घड़ा है या कुछ भी है हमारा मिट्टी का बर्तन उसको थोड़ा कम भरना चाहिए और ताकि ना ये अगर इसमें उबाल भी खाना हो या इसमें बढ़नी हो ना इसमें पत्ते भी डालने हमने तो उसके लिए भी हमारे को जगह रख लेनी चाहिए और हमारे को इन पत्तों को ना टुकड़े कर करके इसमें डाल देना चाहिए और जो हमने कॉपर का टुकड़ा या तार जो भी कुछ है आपके पास जग उसको हमारे को ए, मेरे पास ना एक तार है मतलब कॉपर की तार तो इसमें हमने इसको डाल देना है लगभग इसको हमारे को पंद्रह दिन तक अगर जहाँ गर्मी हो वहाँ तो आठ या छः दिन में भी ये तैयार हो सकता है और अब हमारे को इसको कॉटन कारोमाल या कॉटन का मतलब कपड़ा उसके साथ हमारे को ठीक ढंग से इसको बांध के और ऊपर से ढक्कन रख के इसको हम पंद्रह दिन तक अब इसको हम रख देंगे और जब ये कॉपर और लस्सी आपस में रिएक्ट करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनाएंगे और बहुत ही एक पावरफुल जैविक फम्फूंदनाशक और कीटनाशक दोनों हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा तो लगभग आप देख रहे हो ना आज पंद्रह दिन तक पंद्रह दिन हो गए इसको रखे हुए और अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्ट हुआ और क्या इस, इसका मतलब कितना कुछ क्या बन के हमारे पास तैयार हुआ तो जैसे जैसे हम न बाजार से फम नाशक या कीटनाशक दवाई लेते हैं तो उससे एक तो हमारी ना मिट्टी पौधे ख़राब हो जाते हैं और दूसरा इसका रिजल्ट तो जल्दी आता है मगर ये ना पौधों को जो पौधे की क्वालिटी और मिट्टी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं तो और मिट्टी को ये टाइट कर देते हैं और जो पौधे में ना मतलब फल लगता है तो उसकी उसमें साइनिंग होती है ना तो उस साइनिंग को भी खराब कर देते हैं फल फलों में अगर हम बाज़ार की दवाई को मतलब स्प्रे करें और अब जब हमारे पास ए बन के अब तैयार हो गया है इसको हम ना अब लेंगे तो बहुत ही इसमें स्मेल है तो इसका कलर अब देखो कैसा कलर हो गया है अब हम इसको छान के ना जो इसके ऊपर जो कचरा बचा हुआ है ना उसको भी हम फेंकेंगे नहीं क्यों नहीं फेंकेंगे आप इस ना लकड़ी की मतलब मदद भी ले सकते हो तो जो कचरा इसको हम अपने पौधे में ना डाल सकते हैं और ये भी हम हमारे को फेंकना नहीं है जो हमारे फलों वाले पौधे या इसको फसल में ना इसका अवशेष जो बच्चा इसको डाल सकते हैं तो आप देख रहे हो ना जब हमारे पास अपना घर का कीटनाशक और फंगी साइड तैयार होगा ना तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे और जैसे हम बाज़ार का कोई भी चीज़ मतलब दवाई या फूंदनाशक डालते हैं ना तो लगता है कि बहुत जल्दी वो असर करता है मगर इसके बाद में बहुत ही परिणाम रिजल्ट इसके गलत होते तो ये देखो हम न ऐसे घड़े में बना बना के इसको रखते हैं तो ये देखो इसमें फंगस जैसे लग गई है ना तो ये बिल्कुल अब हमारा बन के तैयार हो चुका है और इसका छिड़काव करने का अगर हमारे को मतलब पंद्रह लीटर का हमारा जो पंप होता है ना तो उसमें सिर्फ बीस मतलब ज़्यादा नहीं मतलब पचास ग्राम के आसपास इतना ही काफ़ी होना क्योंकि हमारे पास बहुत ही एक हाई क्वालिटी का और पावरफुल कीटनाशक ऑर्गेनिक कीटनाशक बनके तैयार है और बहुत ही कम लगेगा है तो हमारा घर का पैसा भी बचा और हमारा मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और जो दूसरी दवाई है ना तो वो तो हमारी सेहत और हमारे ज़मीन को भी टाइट कर देती है और इसका बहुत दुष्परिणाम होते हैं तो ये देखो अब हमारा फंगीसाइड बन के तैयार हो गया ऐसे ही हम ना घड़े में बना बना के रखते हैं जब भी हमारे को हर फसल के लिए ना चाहे पेड़ पौधे चाहे फसलें उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और ये मतलब ग्रो प्रोमोटर का काम भी करेगा तो बिल्कुल ही आसानी से और अपने घर में अपने हाथों से तैयार किया गया है और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है और ना मिट्टी को कोई मतलब नुकसान है और ना ही हमारे पौधे के लिए कोई नुकसान है एक बार हम मतलब बनाना सीख जाएंगे तो हम इसका बार बार बनाएंगे भी और इसका प्रयोग भी करेंगे तो ये हमारा ना पंद्रह लीटर का पंप है तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही जय किसान जय हिमाचल